बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एक्टिविटीज़ के साथ। जी व्यूअर्स, आज हम वीडियो लाए हैं आईब्रो सेटअप तरीके बताने का तरीका। ठीक है व्यूअर्स, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आईब्रो में क्या क्या चीज़ यूज़ होती हैं जिसको आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आईब्रो का सेटअप अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आप किसी पॉलर से आईब्रो बना भी लें तो आईब्रो बनाने के लिए आपको उसकी सेटअप के लिए चंद चीज़ें हैं जो आपको लेना ज़रूरी है। ठीक है व्यूअर्स, तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आईब्रो में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं जिससे आप अपनी आईब्रो सेटअप कर सकते हैं। तो ठीक है, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है व्यूअर्स, तो जी व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं मिस रोज़ कंपनी का MP4 ये किट है। ये कुछ इस तरह की शक्ल में है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह की क्रीमी शेड है, इसमें क्रीमी शेड भी है और पाउडरी शेड भी है। ठीक है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस पर एक्सपायरी डेट भी मेंशन है और कंपनी वाइजर भी दिया गया है। जी व्यूअर्स, तो चले अब हम आपको इसके लगाने का तरीका दिखाते हैं। मैं इसका दूसरा भी एक किट आता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किस तरह के होते हैं। जी व्यूअर्स, अगर आप देखें ये कुछ इस तरह की शेड में आता है। ठीक है व्यूअर्स, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कंटूरिंग किट है। ठीक है, लेकिन ये कंटूरिंग किट नहीं है, ये आईब्रो किट है। इसके साथ ब्रश दिया हुआ है और एक लिक्विड फॉर्म का दिया हुआ है और एक दो ड्राइव की दिए हुए हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो हम इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताएंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये कुछ इस तरीके का आप लोगों ने अप्लाई करना है। ये देखें, ये देखें, आप घर बैठे बैठे इस तरह अपने आईब्रो को जो है वो नीट कर सकते हैं इंतहाई सफाई के साथ। ठीक है व्यूअर्स, आजकल लोग बहुत सारे लोग पेंसिल यूज़ करते हैं और बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है व्यूअर्स, ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं, ये देखें, ये कुछ इस तरह के शेड में, ये बिल्कुल ओरिजिनल टोन के हिसाब से। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप चाहें इसको डार्क या हल्का करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको डार्क करना चाहें तो ये पाउडरी शेड इसमें दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपने इसको डार्क कर देना है। ठीक है, लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है कि आपके हेयर कौन से कलर के हैं, आपके बाल कौन से कलर के हैं, आपने उस कलर में आईब्रो बनानी है। ठीक है व्यूअर्स, अगर आईब्रो आप डार्क करेंगे और आपके बाल हेयर सर के बाल दूसरे कलर के हैं तो बिल्कुल भी मैच नहीं होंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये देख सकते हैं, ये देखें, ये बहुत ही नेचुरल टोन में है। ठीक है व्यूअर्स, हम अब इसको ये हमने जो है क्रीमी शेड का आपको लगा के दिखाया और उसके बाद हमने उसके ऊपर पाउडरी शेड लगाया। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप पाउडरी शेड लगाए तो आप इसको वाटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पानी में इसको डिप किया और अभी इसका ये वाला कलर जो है ये मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, इसके जो पाउडरी शेड हैं वो आप पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ अप्लाई होता है, ना ज़्यादा लगता है ना ओवर लगता है। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, बहुत ही सफाई के साथ लग जाता है जिस तरीके से आप अपने आईब्रो बनाएं। मैं तो कहती हूँ कि अगर पार्लर में आईब्रो बनाएं भी, लेकिन उसके बाद आपने इस तरह शेप देने के लिए जो है इस तरीके का आपकी आईब्रो को सेटल करने का जो है ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी हम दूसरे कंपनी का आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो भी मिस रोज़ कंपनी का है। मिस रोज़ कंपनी का ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा आपको सस्ते में मिलेगा, लेकिन चीज़ ये भी अच्छी है। मैं भी आपको ये लगाना दिखा देती हूँ। इसमें जो है ये कुछ इस तरह से ओपन होता है, इसमें भी दो ब्रश दिए हुए हैं। ये देखें, एक आईब्रो सेटअप के लिए दिया हुआ है इस तरीके का। ठीक है व्यूअर्स, इससे आप आईब्रो को कंघा कर सकती हैं, और इस तरीके का ये ब्रश पीस भी दिया हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, तो इसको भी हम लगा के देंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ ये वाइट कलर का क्रीमी शेड दिया हुआ है, ये आपने किस तरीके का यूज़ करना है ये मैं आप लोगों को अभी चेक करा देती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपने ये पाउडरी शेड लगाना है तो सबसे पहले आपने जो इसकी क्रीमी शेड है वाइट कलर की, यानी कि इसका जो सीलर है, आपने उसमें सबसे पहले इसमें ब्रश लगाना है, फिर उसके बाद आपने इस पाउडर वाले हिस्से में इस तरह आपने अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह लगाना है। ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, ये भी बहुत ही
अच्छा रिजल्ट है इसका, मुझे तो इसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा है। सस्ते और महंगे को ना देखें व्यूवर्स, वो चीज़ लें जो आपको पसंद हो, ठीक है। ये देखें, जितना भी आप इसको डार्क करना चाहें आप कर सकती हैं। ये वाली मैं थोड़ी डार्क बना रही हूँ, किसी किसी को बहुत ज़्यादा डार्क पसंद होती है, या फिर ब्राइट के लिए हम यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा सा डार्क जो है शेड चाहिए होता है। जी ये देखिए, ये देखिए व्यूवर्स कितने अच्छे और सफाई के साथ ये बन गया, ठीक है व्यूवर्स। देखें हाथ पे तो कोई आईब्रो नहीं बनाता, लेकिन ये समझ लें कि मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है व्यूवर्स। तो अभी मैं आपको पेंसिल पे बनाए हुए आईब्रो भी दिखा सकती हूँ जी व्यूवर्स, जिस तरह जिस टोन का आपको आईब्रो शेड चाहिए मैं वो आपको बना के दिखाऊंगी जी व्यूवर्स। तो अब इस तरह का कोई पेंसिल अगर आपको मिल गया ब्राउन कलर का, ये देखिए डॉलर्स कंपनी का ये है, इस तरह का पेंसिल आता है जो इस तरीके से शॉर्प होता है, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, तो हम इसे भी आपको बना के दिखाएंगे। ये देखिए, लेकिन पेंसिल का ये होता है कि कभी नोक टूट जाती है और अच्छे से अप्लाई नहीं होता। ये देखें, बहुत सारे लोग पेंसिल यूज़ करते हैं और पेंसिल मुझे इस तरीके से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पेंसिल से दिखा रही हूँ कि पेंसिल से भी आप काम चला सकते हो। ये देखें, ठीक है व्यूवर्स, ये देखें मैंने मिस रोज़ की कंपनी के का भी आपको दिखाया, ये थोड़ा लो क्वालिटी का है, ये थोड़ा हाई क्वालिटी का है, प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी चीज़ें दोनों अच्छी हैं, लेकिन आपको अप्लाई आना चाहिए। ये देखें, आपको मैं गौर से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये ऊपर वाले दो जो हैं वो मैंने इससे लगाए हैं मिस रोज़ की कंपनी वाले से, जिसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म का है और दो जो है वो पाउडरी शेड में है, ठीक है व्यूवर्स। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग लगाना चाहें तो ब्लैक कभी भी ना लगाएं, क्योंकि ब्लैक बिल्कुल भी ओवर लगता है, ये सारे नेचर टोन है, ठीक है व्यूवर्स। अगर इसका ये वाला कंपनी वाला है, ये भी बहुत अच्छा है, मिस रोज़ की कंपनी का है, लेकिन इसमें यह है कि लिक्विड इन लोगों ने वाइट कलर का दिया हुआ है, ठीक है व्यूवर्स। ये लिक्विड आपने लेना है, इनमें से जो आपको शेड अच्छा लगे या आपके बालों का कलर है तो उसी शेड में आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है व्यूवर्स। ये थी हमारी आईब्रो सेटअप की वीडियो जी व्यूवर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कॉमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, आगे से आगे जितना भी शेयर कर सकते तो प्लीज़ आगे शेयर करें, ठीक है व्यूवर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।